अस्सलाम वालेकुम, मैं सेक्रेटरी हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट ताजाबाद शरीफ नागपुर। आज बड़ी खुशी और मसरत के साथ हम लोग ये आम इतला देने जा रहे हैं हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की जानिब से कि सरकार ताजुल औलिया का सालाना वार्षिक कोर्स 102 हम मनाने जा रहे हैं। 29 तारीख से पहले सुबह रस्म परचम कुशाई रघुजी राजा पंचम भोसले के हाथ से यहाँ पर 9 बजे अदायगी की जाएंगी। उसके बाद में हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पे आस्थाने पे चादर पेश की जाएंगी और ये एक हिंदुस्तान की एक तहजीब और एक परंपरा है, जमुना तहजीब जिसको हम लोग कहते हैं, गंगा जमुना तहजीब। ये एक उदाहरण देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो परचम की जो रस्म होती है वो रघुजी राजा भोसले के यहाँ से होती है, बाबा हुजूर के यहाँ पर, वो 29 तारीख को की जाएंगी सुबह 9 बजे। और उसके बाद में उर्स का आगाज किया हो जाएगा शुरू। फिर उसके बाद में हमारे यहाँ पर जो प्रोग्राम वगैरह चलते रहते हैं उसमें बड़े बड़े हाशमी मियाँ कचोची यहाँ पर उपस्थित होंगे। रात में 29 तारीख को गाजी मिल्लत यहाँ पर तकरीर खिताब फरमाएंगे। 29 तारीख को ये प्रोग्राम होगा और उसके बाद में हमारा यहाँ से प्रोग्राम का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल कवालियों का प्रोग्राम है, यहाँ बहुत अच्छे झूले लाए गए, अजीमगंज पार्क है। और बाबा हुजूर के यहाँ पर 2 अगस्त को यहाँ पे शाही संदल निकाला जाएगा जिसमें काफ़ी लोग शिरकत करते लाखों की तादाद में, और हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की जानिब से आने वाले ज़ायरीनों का हमने बहुत अहतमाम किया है, सारी चीज़ों की यहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराई है। और यहाँ से ट्रस्ट ऑफिस से सुबह 9 बजे संदल निकल कर शहर का गश्त करता हुआ बाबा हुजूर के यहाँ पर 7 बजे पेश किया जाएगा। और 3 तारीख को हमारा छोटा कुल शरीफ होगा और 4 तारीख को नातिया मुशायरा जिसमें के नात खां हजरात और इंटरनेशनल लेवल के शायर लोग जो है उनको हम लोगों ने यहाँ पर आमंत्रित किया है। पिछले टाइम में भी हमने आमंत्रित किया था इंटरनेशनल। और यहाँ पर 5 तारीख को बाबा हुजूर के यहाँ पे कुल की फातिहा होंगी। इस तरीके से हमारे यहाँ कव्वाली मुशायरे तकरीर के जो प्रोग्राम है और पूरी 10 तारीख तक 10 अगस्त तक चलेंगे ये सिलसिला। यहाँ पर हमने बहुत बड़े पैमाने के ऊपर में हर साल की तरह लंगर का भी आयोजन किया है कि जिन लोगों को यहाँ पर किसी चीज़ की रहने की और खाने की तकलीफ ना हो, ना पानी की तकलीफ हो, ऐसी हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पर इन लोगों को मुहैया कराएंगे बाबा के आने वाले आशिकों को, श्रद्धालुओं को। और इतना ही कहते हुए मैं आप लोगों को आपको दिली मुबारकबाद देता हूँ बाबा हुजूर के आस्थाने औलिया से हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट सेक्रेटरी ताजा मदराजा, आपको बाबा हुजूर के उर्स की बहुत बहुत मुबारकबाद।